नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जवे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन के आखिरी पांच दिन जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसमें हमें कौन कौन से कार्य जरूर कर लेने हैं। ध्यान से एक एक नियम विधि आप लोग सुन लीजिएगा और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो एकदम सावन में ही आप कर सकते हैं, भाद्रपद मास में भादो में नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 27 से शुरू हो रहा है और 31 तक आखिरी पांच दिनों में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पांच दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो पूरे सावन आप नहीं कर पाए इन पांच दिनों में जरूर कर लीजिएगा। शिव जी की पूजा आराधना तो इस पांच दिन में आप चाहें तो, कई लोग व्रत भी केवल पांच दिनों का ही रखते हैं, जैसे कार्तिक में पांच दिन महत्वपूर्ण थे ना, या अधिक मास में पांच दिन लास्ट का था, ठीक उसी प्रकार से सावन में भी आप चाहें तो पांच दिनों का केवल व्रत रख सकते हैं। जो पूरे सावन नहीं रख पाए किसी कारणवश, तो आप लोग कई लोग रखते हैं, कई लोग तो दो महीने से व्रत रखे हैं। सबका अपना अपना भगवान के ऊपर श्रद्धा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुबह सवेरे प्रतिदिन आप सबसे पहले शिव मंदिर जरूर जाइए, बाकी दिन आप पूजा पाठ अपने व्यस्तता की वजह से अगर नहीं भी किए हैं तो शिव मंदिर इन पांच दिनों में जरूर जाइए पुण्य कमाने के लिए। आप लोग पूछे दीदी बाबा धाम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, पहली बार जा सकते हैं, अधिक मास लगा है तो जरूर जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। भगवान के मंदिर में जाने के लिए मलमास से कुछ हमें अधिक मास से नहीं लेना देना, आप आराम से जा सकते हैं। दूसरा कार्य क्या है कि दूसरा आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी हम मायके से ससुराल आना चाहते हैं तो हमें कब आनी चाहिए, या हम प्रेग्नेंट हैं तो हम ससुराल आना चाहते हैं मायके से, तो लोग बोल रहे हैं कि मतलब भाद्रपद मास में भादो में नहीं जाते हैं। जो भी आसपास आपको बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि भादो में कहीं आते जाते नहीं है। भाद्रपद मास जिसको कहते हैं उसमें कहीं आते जाते नहीं है, शुभ नहीं माना जाता है। तो सावन के आखिरी पांच दिन बचे हैं उसमें आप लोग पक्का चले आइएगा, नहीं तो फिर आप फंस के रह जाइएगा, क्योंकि भादो में आना ना, जैसे मायके से आना या ससुराल से, अब इमरजेंसी पड़ जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए, किसी को देखने जाना है, तब आप जा आ सकते हैं। लेकिन ऐसे नई नवेली दुल्हन अगर भादो में लड़कियां ना आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शुभ नहीं होता है, बहुत सारे परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं, आप आजमा कर भी मत देखिएगा। तो आप लोग 31 अगस्त तक आ जाइए, उसके आगे मत आइएगा, क्योंकि फिर हमारा भादो शुरू हो जाएगा उसके बाद, पूर्णिमा के बाद। क्लियर हो गया। अगला कार्य क्या करना है कि सावन के पांच दिन जो आखिरी बचे हैं, तो आप सोमवार के दिन भी, जैसे 28 तारीख को आखिरी सावन सोमवार पड़ रहा है, तो उस दिन भी आप जो है जो पूजा पाठ आपसे रह गया है नहीं कर पाए हैं, गठबंधन वगैरह जो अधिक मास में, कई लोग मतलब अधिक मास में मैं बोली थी मत कीजिएगा, शुद्ध सावन में कीजिएगा, तो आप लोग गठबंधन वगैरह शादी के लिए कर सकती हैं। और देखिए एक चीज और कहना चाहती हूँ, शादी बोल रही हूँ तो याद आ रहा है, मेरी एक बहन का कमेंट आया है, मैं कमेंट लगा दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग सच में बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, जब आप लोग शेयर करते हैं ना कि दीदी हमारा ये कार्य सिद्ध हो गया आपके उपाय से, मतलब आप जो नियम बताए थे, तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो मैं लगा दूंगी, मैं हमेशा नहीं देख मतलब नहीं लगाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब आप लोग सोचेंगे कि बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं, ऐसे अगर आप लोग की मनोकामना पूर्ण होती है तो जरूर मेरे साथ आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वो आप बोलिए कि दीदी हमारी शादी हो गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, और आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, अच्छे से ससुराल में रहिए, ऑल दी बेस्ट, हर खुशियां भगवान आपको दे। तो आप लोग शादी के लिए देखिए गुरुवार का बहुत सारे उपाय बताए हूँ, तो सावन में आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, इन पांच आखिरी पांच दिनों में कर लीजिएगा। हल्दी का गांठ बांधने के लिए बताई थी, वही उपाय उनको बहुत अधिक फायदा किया था, शादी हो गई है ऐसे तो, बाकी तो भगवान की मर्जी है, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है, एक बार करके देख लीजिएगा। तो ये भी हो गया। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है, तो जरूर कीजिएगा।
अगला कार्य क्या है तो गठबंधन आप लोग कर लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि शिव जी के पास से मैं बोली थी कि एक फूल वगैरह लाकर अपने लिए शुभता सोचकर जरूर रख लीजिएगा। तो जब कभी भी जाते हैं मंदिर इन 5 दिनों में हर लड़कियों को जरूर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे तो लोग प्रतिदिन कर रहे हैं सावन के महीने में, लेकिन आखिरी 5 दिन में अगर आप नहीं कर पाए हैं तो जरूर मंदिर जाइएगा। मन्नत कीजिए कि हे भगवान मैं 5 दिन एकदम आपके मंदिर में दीपक जलाने आऊंगी और आपकी पूजा करने आऊंगी। तो जरूर जाइए और वहां बैठकर मंदिर में ही या अपने घर के मंदिर में भी आप बैठकर महामृत्युंजय मंत्र। कई ऐसी बहनों का मेरे सवाल आया है कि दीदी हमारी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे नियम कर लिए, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है। तो देखिए आप दुखी परेशान मत होइए, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान रच के रखे होंगे वो तो होना ही है, लेकिन फिर भी आप महामृत्युंजय जो मंत्र है ना बहुत अधिक शक्तिशाली मंत्र है और हर विघ्न बाधा को ये मंत्र जो है काटता है, मतलब साइड करता है, सुधार देता है, रास्ता बना देता है। तो आप एक बार जरूर मतलब इस आखिरी 5 दिनों में सुबह में ही कोशिश करें, आप लोग बैठकर एक आसन बिछा लीजिए और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर कीजिए। गिनती कैसे करनी है बार बार बताती हूँ, कोई भी मूंगफली चना वगैरह रख लीजिए, 108 गिनकर जितनी बार हो रहा है अलग रखते जाइए दूसरे कटोरी में पात्र में, ठीक है। तो 108 बार जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये भी हो गया। अगला महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करना है, आप लोग पूछेंगे दीदी जैसे शादी के लिए शगुन देना है, बरअच्छा चढ़ाना है लड़के के घर, तो कब चढ़ाना सही रहेगा? तो देखिए आप 31 से पहले जल्दी से चढ़ा लीजिए, या दहेज तो अभी भी हमारे जैसे भारत में कहीं कहीं तो देना ही पड़ रहा है, कोई कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है। तो जो ही रुपया पैसा अगर लड़के घर कुछ देना है आपको शगुन के रूप में तो आप लोग सावन में ही दे दीजिएगा, इससे अधिक शुभ संजोग आपको नहीं मिलेगा इन 5 दिनों में। पक्का ध्यान रखिएगा जो भी आपके अटके हुए रुके हुए कार्य हैं 31 से पहले, 31 अगस्त से पहले आप लोग कर लीजिएगा। गुरुवार है, गुरुवार को भी आप लेन देन मत कीजिए, लेकिन सोमवार के दिन आप लोग लेन देन कर सकते हैं। तो यही सब कार्य आपको करना है, आखिरी 5 दिन रह गए, उसके बाद आप कोई भी शुभ कार्य जैसे भादो में करना अच्छा नहीं रहता, जैसे लड़की की विदाई, बहू को लाना भेजना, ये सब ठीक नहीं रहता। तो जितने इस प्रकार के कार्य आप लोग सावन में ही कर लीजिए। ये भी हो गया। अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी टीपन वगैरह बनाना है तो कब बनाए, कब सही रहेगा? तो सावन में कीजिए ना, शिव जी के पास ले जाकर हल्दी लगाकर लड़का का नाम, लड़की का नाम और शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, तो भगवान करेंगे तो आपकी शादी एकदम निर्विघ्न और अच्छे से होगी। अगर फिक्स हो गई है फिर भी आप लोग लिख कर और चढ़ा दीजिए, किसी भी पेपर पर या पत्ते पर भी लिख कर चढ़ा सकते हैं कि हे भगवान, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी शादी निर्विघ्न हो, ठीक है, अच्छे से हो जाए। अगर नवंबर में होने वाली है या जनवरी फरवरी में होने वाली है आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आप लोग सावन में कर लीजिएगा और शाम को हो सके तो इन 5 दिनों में दीपक अवश्य प्रज्वलित करें जाकर मंदिरों में, मतलब जो भी शिव मंदिर है, क्योंकि फिर सावन का महीना अब अगले साल आएगा तो इसलिए इस पावन दिन को हमें नहीं छोड़नी है। ऐसे तो जो शिव भक्त है वो बहुत मतलब 2 महीने से वो लोग व्रत रखे हैं, केवल एक टाइम भोजन करते हैं, वो भी मीठा भोजन। एक एक लोग है ना बहुत अधिक श्रद्धालु हैं, बहुत बड़े भक्त हैं शिव जी के। तो आपसे जितना होता है उतना ही कीजिएगा अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। तो इन 5 दिनों में आपको यही सब कार्य करने हैं, नेक काम करने हैं, और जितना भी आप दान पुण्य करके रखे हैं ना वो आप लोग आखिरी सावन के दिन पूर्णिमा के दिन जैसे 31 तारीख को आप लोग दे दीजिएगा। मैं बोली थी ना कि आप लोग प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी गेहूं निकालते जाइएगा, तो जो भी आप लोग दान किए 5 दिनों में आप दान भी कर सकते हैं। सावन का दान महादान है और पूर्णिमा के दिन भी आप लोग दे सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई तो इस 5 दिन में सभी कार्य आप लोग कर लीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।